सोल्जर ये नहीं पूछता देश ने उसके लिए क्या किया। पूछता है वो देश के लिए क्या कर सकता है। शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान का ट्रेलर अभी कुछ घंटे पहले ही रिलीज हुआ था, लेकिन इस ट्रेलर ने रिलीज होते ही यूट्यूब पर पूरी तरह से धमाका कर दिया और शुरुआती 5-6 घंटों के अंदर ही पठान के ट्रेलर ने वो जादू कर दिखाया जो कि सलमान खान और अक्षय कुमार की फिल्मों के ट्रेलर शुरुआती 24 घंटों में भी नहीं कर पाते। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पठान के ट्रेलर को भले ही पब्लिक की तरफ से मिक्स रिव्यूज मिल रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ने के मामले में पठान का ट्रेलर इस वक्त नंबर वन बन चुका है। क्योंकि दोस्तों पठान के ट्रेलर को जिस तरह के व्यूज और लाइक्स मिले हैं, इस तरह के व्यूज और लाइक्स इससे पहले बॉलीवुड की किसी भी फिल्म के ट्रेलर को नहीं मिले। यहां तक कि दोस्तों यहां पर पठान का जो ट्रेलर है वो सिर्फ 5 घंटों के अंदर ही 1 मिलियन लाइक्स कंप्लीट कर चुका है और सबसे कम समय में 1 मिलियन लाइक्स हासिल करने वाला ट्रेलर पठान का बन चुका है। हालांकि बात की जाए कि बॉलीवुड की कौन कौन सी फिल्मों के ट्रेलर है जिन्होंने सबसे कम समय में 1 मिलियन लाइक्स हासिल किए, तो दोस्तों नंबर 5 पर है दबंग 3, जिसके ट्रेलर को 19 घंटे 30 मिनट में 1 मिलियन लाइक्स मिले थे। वही नंबर 4 पर है शाहरुख खान की जीरो, जिसे 18 घंटे 50 मिनट में 1 मिलियन लाइक्स मिले थे। नंबर 3 पर है अक्षय कुमार की सूर्यवंशी, जिसे 18 घंटे 10 मिनट में 1 मिलियन लाइक्स मिले। नंबर 2 पर है सलमान खान की राधे, जिसे 10 घंटे और 51 मिनट में 1 मिलियन लाइक्स मिले थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर पठान के ट्रेलर को 1 मिलियन लाइक्स सिर्फ 5 घंटे 25 मिनट के अंदर मिले हैं। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, पठान का ट्रेलर सिर्फ 5 घंटे और 25 मिनट के अंदर ही 1 मिलियन लाइक्स हासिल करने वाला ट्रेलर बन चुका है और इसी के साथ पठान का ट्रेलर बॉलीवुड का फास्टेस्ट 1 मिलियन लाइक्स हासिल करने वाला ट्रेलर बन चुका है। हालांकि दोस्तों आपको क्या लगता है, जिस तरह पठान के ट्रेलर ने यूट्यूब पर रिकॉर्ड तोड़े, उसी तरह पठान फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।